आश्रम गाइस गाइस कि आप चाहते हैं इस तरह का सब्सक्राइब बटन बनाना। अगर आप भी इस तरह का सब्सक्राइब बटन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर आज ये वीडियो आपने लास्ट तक नहीं देखी तो आपको नहीं पता चलेगा किस तरह सब्सक्राइब बटन बनाया जाता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीखना चाहते हैं कि सब्सक्राइब बटन किस तरह क्रिएट करते हैं तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम मुबशिर है, आप देख रहे हैं मिस्टर मुबशिर यूट्यूब टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड विदाउट टाइम वेस्ट की शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास सॉफ्टवेयर कम टेस्ट स्टूडियो ये देखिए, ठीक है। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर कम टेस्ट स्टूडियो, इसमें मैंने ये इंट्रो लगा रखा। देखें ये, देखें ये बनाना है हमने आज, ठीक है। तो मैं एक बार इसे बैक करता हूँ और बैक करता हूँ। तो आपने यहाँ से चेक करना है कटआउट अच्छे तरीके से करना, ठीक है। मैंने इतना कटआउट किया इसे, और आपने ये डाउनलोड कर लेना सब्सक्राइब बटन, आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखें कुछ इस तरह से आया और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाया और ये इस तरह मुझ गया, ठीक है। आपने यहाँ से आकर इसे कट देना है। दोबारा चेक करते हैं हम, पहले हमें इसे एडजस्ट करना अच्छे तरीके से। आप चेक करें, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जो इसका बैकग्राउंड है इसे आपने कुछ भी नहीं करना, तो यहाँ पर आ जाना है आपने, अपने फ़ोटो जो आप पर फोटो लगाना चाहते हैं, आपको फ़ोटो की ज़रूरत है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी यहाँ से लगाना चाहता हूँ, मैं वो फ़ोटो चॉइस कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर ऐड करना है, लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो वो फ़ोटो मुझे कहाँ से मिलेगा, वो फ़ोटो मुझे यहाँ से मिलेगा, दोस्तों मैं फ़ोटो कौन सा लगाऊँ यार, मेरा जो लोगो है मैं वही दूंगा जो मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी। दोस्तों मैंने अपने फ़ोटो ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आया। तो यहाँ पर लेने के आने के बाद आपने पहले सबसे पहले फ़ोटोशॉप को ओपन करना है। फोटोशॉप को ओपन करके आपने यहाँ से ये फ़ोटो लेकर आ जाना है इधर ही, ठीक है। यहाँ पर आपने इसे छोड़ देना है। तो आपने कुछ इस तरह का कटआउट करना है जिस तरह मैं करूँगा, ठीक है। ये सराय इस तरह का बनाना है आपने, ठीक है। ये देखिए सिर्फ ओनली इतना जिस तरह के मैंने बना लिया है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, कंट्रोल जे करना है, और जो ये लेयर है इसे आपने बिल्कुल रिमूव कर देना है। इसके आने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ये डार्किंग दे देनी है ताकि, ओके। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इसे सेव कर लेना है पीएनजी में, पीएनजी में सेव करना है। यहाँ पर क्लिक करना है आपने और 24 में सेव कर लेना है। तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेता है, जितना अच्छा पीसी होता है उतना ही आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। ये इसमें सेव कर दिया मैंने, तो मैं अब जाता हूँ, जाकर पीसी से इसे उठाकर लेकर आता हूँ कंप्यूटर स्टूडियो में, ठीक है। जल्दी हो यार सेव। ये रहा हमारा वो फोटो जिसे हमने ड्रैग किया, यहाँ पर कंप्यूटर में लेकर छोड़ दिया, ठीक है। करने के बाद आपने यहाँ पर आना है दोस्तों, इसमें मैंने यहाँ से इसे ट्रैक करके यहाँ पर छोड़ दिया। इतना करने के बाद तो फिर मैंने यहाँ से इसे छोटा किया, यहाँ पर आया और इसे बड़ा किया, रूम किया और भी, और यहाँ से इसे छोटा कर दिया इतना, ठीक है दोस्तों। और इसे मर्ज कर देना मैंने इसके साथ, इतना करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसमें आ जाना जो इसका कलर है आप वो भी रिमूव कर सकते हैं, बट मैं इसका कलर रिमूव नहीं करना चाहता, ठीक है। अब प्ले करते हैं, तो इसे हमने इस तरह करना है दोस्तों। मैं चाहता हूँ इसके नीचे से आए, नीचे से आने के लिए मैंने इसको नीचे रखा
और जो इसका है ना बैकग्राउंड, इसे रिमूव करना पड़ेगा मुझे। रिमूव करने के लिए इसका बैकग्राउंड मैंने तो यहाँ पर क्लिक करना है मैंने इसे, और यहाँ पर आना है, ये वैश्यू क्लिक करना है, और नीचे आ जाना है आपने, रिमूव कलर पर क्लिक करना है, और इसे आपने बढ़ा देना है तकरीबन यहाँ पर आप कर सकते हैं ईजीली। ओके, इतना करने के बाद आपने ये देखें, अब हमारा जो वो जो बैक कलर था वो रिमूव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपने इसे साइज को बड़ा करना है और ये इमेज को आपने फुल कर देना है इस तरह से। ठीक है, ये देखिएगा, अब प्ले करते हैं इमेज को, अब छोटा करें आप और ये छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा दरमियान में लाएं यहाँ पर रख दें। इतना करें, अब प्ले करता हूँ दोस्तों मैं, ताकि यहाँ से अब हमने इतना इसे कट कर देना। आप प्ले करता हूँ, दोस्तों यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, थोड़ा सा बैक जाना है, थोड़ा सा बैक, प्रोफेशनल तरीके से एडिट करना है ना। जब ये यहाँ पर आना है, इतना करने के बाद दोस्तों आपने अटैच करना है इसके साथ, यहाँ पर आपने ऐड एनिमेशन पर क्लिक कर देना है और आपने इसे भी ड्रैग कर लेना है, इसे भी साथ में। इतना करने के बाद आपने प्ले करना है, फिर ऐड एनिमेशन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है आपने, फिर इसे इस तरह से आपने तोड़ लेना। ठीक है, प्रोफेशनल लगना चाहिए दोस्तों। ठीक है, फिर आपने इसे प्ले करना है, इसे अब प्ले करके देखते हैं दोस्तों। अभी मैच नहीं हो रहा, टाइम लगेगा, बट प्रोफेशनल तरीके से हम मैच करेंगे इसे। अभी मैच इसे हमें नहीं करना था, इतना आप करना है ऐड एनिमेशन, यहाँ पर क्लिक करना है, अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, अभी भी मिस्टेक है इसमें। अभी यहाँ पर ऐड एनिमेशन क्लिक थ्रू, अभी यहाँ पर एनिमेशन क्लिक, यहाँ पर एनिमेशन, बस। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, काफ़ी अमेजिंग बन चुका हमारा, ये देखें। अब यहाँ पर से हमने इसी तरह ड्रैग करना है और इधर क्लिक करना है और इसे भी इस तरह ड्रैग कर लेना है। अब प्ले करते हैं, अब थोड़ा सा जूम करते हैं, फिर थोड़ा सा इसे यहाँ पर से कट कर देते हैं, क्योंकि तो दोस्तों प्रोफेशनल तरीके बनाएंगे हम, ऐसे बकवास सा नहीं बना देंगे, टाइम लगाना है तो अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा बन चुका है, अभी आप प्ले करके देख सकते हैं।
इसके बाद हम नेम ऐड करेंगे। नेम ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने वाइट कलर, यहाँ से वाइट कलर देना है। इसमें वाइट कलर कैसे देंगे, फोटोशॉप में आएंगे। फोटोशॉप में आने के बाद यहाँ पर इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम एक साइज़ बनाएंगे छोटा सा, ये देखें ठीक है, और वही कलर इसमें ऐड करेंगे जो कि इसमें फोटोशॉप में दिया गया है। और बैक करेंगे, ओके बैक, कंट्रोल बैक, कंट्रोल डी। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर इसे भी PNG में सेव कर लेना है। रिप्लेस नहीं करना चाहता, सेव किसी और नेम में सेव कर दे, तो आई प्लेस करता हूँ। तो दोबारा हम इसे भी ड्रैग करके इसमें इस तरह लेकर आएंगे इसमें। तो यहाँ पर आया डॉक्यूमेंट में, ये रहा वो मेरा इमेज, इसे ड्रैग करके छोड़ दिया मैंने, यहाँ से ड्रैग किया, इसे मैंने रख दिया इधर। फ्रेंड यहाँ पर हमने आ गया, हमने इसे सेव कर लिया। तो यहाँ पर आप ट्रैक करके आपने हम लेकर आएंगे इसमें ठीक है। आने के बाद यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर लेना है, यहाँ अपले करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए बिल्कुल पूर कर दिया इसने ठीक है। आप चाह रहे हैं तो इसे आप रेड भी ना करें, या देखें आप चैनल नेम नीचे आपने लिखना है देना सर्च में, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये नीचे चैनल नेम आपने ऐड कर देना बस ओनली ठीक है। हम चैनल नेम ऐड कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर फुल करता हूँ एक बार मैं, इसमें भी ऐड हो गया, इसे भी रिमूव करना था हमने, इसे भी रिमूव करना था हमने। अब देखते हैं ठीक है दोस्तों। इतना होने के बाद अब हमने आना यहाँ पर नेम देना है, चैनल नेम कहाँ गया हमारे पास, यहाँ पर टेक्स्ट में आना है, टेक्स्ट में लिखना है मिस्टर MR। इतना लिखने के बाद ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिखने के बाद आप इसे बोल्ड कर सकते हैं इसमें ठीक है। करने के बाद आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, बट कलर हम ब्लैक रखेंगे ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर आकर आपने एडजस्ट कर लेना है।
इतना ओके। अब आपने से इस तरह से होल्ड करना है, इसका साइज बढ़ाना है आपने 36 और इसे इस तरह से होल्ड करना है। आप देखिएगा दोस्त, इतना करने के बाद अब प्ले करके आपको दिखाता हूँ मैं। आई एम सॉरी दोस्तों, हमसे मिस्टेक हो गई एक छोटी सी। यहाँ पर क्लिक करना था, अब हमने यहाँ पर अप्लाई करना था टैक्स कंट्रोल भी ओके। अब प्ले करते हैं, आप देखें इसको हमने इस तरह से साइज बड़ा करना है और यहाँ से इस तरह से इसको बढ़ा लेना साइज ठीक है। अब शॉर्टकट, आपका नाम छोटा होगा तो आपको ज़्यादा एडजस्ट करने को आसानी होगी, ज़्यादा नेम बड़ा हो तो आप तंग हो जाते हैं क्योंकि तो मज़ा ख़राब हो जाता है इमेज। अब यहाँ से हमने इसे और छोटा कर लिया, ठीक है, और हमें बड़ा तो करना पड़ेगा। तो फाइनली हमने यहाँ पर रख कर इसे एडजस्ट कर लेते हैं, चैनल नेम यहाँ पर आप देखिए। ठीक है दोस्तों, इतना आसान था। कैसा कैसी लगी वीडियो आपको मेरी? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अल्लाह हाफिज़, किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे।